पंद्रहवें योग के हरिद्वार सद्गुरु गुरु और परम पुरुष स्वामी रामदेव जी महाराज के नेतृत्व में पूरे भारत को योग में बनाने के इस क्रांतिकारी अभियान के अंतर्गत आज हम सभी बिहार प्रांत के भोजपुर जिले के गढ़ाली प्रखंड के बरिगांव पंचायत स्थित देहरी ग्राम के इस ऐतिहासिक धरती माँ की गोद में बैठ करके पवित्र धरती माँ की गोद में बैठ करके 5 दिवसीय योग शिविर के 4वें दिन के प्रातःकालीन योग सत्र के इस विराट कार्यक्रम में हम सभी ग्रामवासी उपस्थित हैं। मैं डॉक्टर ब्रज मोहन योग प्रचारक आप सभी भाई बहनों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हुए आज मैं आपको वाह्य प्राणायाम के बारे में बताने का प्रयास करूंगा। वाह्य ध्यान मुद्रा में बैठ जाते हैं, लंबा गहरा सांस भरते हैं और पूरा सांस को बाहर फेंक देंगे, निकल गया। आप ठुड्डी को सीने में सटाएंगे, पेट को पीठ की तरफ खींचेंगे और गुदा भाग को शौच के रास्ते को ऊपर की तरफ सिकोड़ेंगे। तो जालंधर बंद, उड़ियान बंद और मूल बंद, त्रिबंध लग करके ये अभ्यास शुरू होता है। अभ्यास तो आइए को भरा। ये 5 से 7 बार कर ले, इतना जबरदस्त अभ्यास है यह वाह्य प्राणायाम कि वाह्य प्राणायाम करने से धातु संबंधी रोग, सूत्र दोष, मां बहनों में ल्यूकोरिया की समस्या, पेट प्रदर, रक्त प्रदर की समस्या, गर्भाशय बाहर आने की समस्या या गुदा भ्रंश होने की समस्या, ये बिल्कुल ही ठीक हो जाता है। और बवासीर के लिए तो रामबाण दवा है यह बवासीर, चाहे हो या बाजी हो, ये 5 बार 7 बार प्रतिदिन सुबह शाम यदि हम खाली पेट में करते हैं तो जिसको बवासीर हुआ है वो बवासीर बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। और जिनको नहीं है वो ऐसा नियमित करे तो बवासीर बिल्कुल ही नहीं होगा। साथ साथ में जिनको कोलाइटिस की समस्या है, जिनका शौच करते समय चिकनाई लिवर लैटिन होता है या आम जैसा होने लगता है या बार बार भोजन कर किया और लगा कि सोच जाए ऐसा बार बार महसूस होता है, तो उसके लिए भी बहुत जबरदस्त अभ्यास है। तो वाणी प्राणायाम करके हम एक सारी समस्याओं को बिना दवा लिए हुए, बिना कोई औषधि लिए हुए, बिना कोई डॉक्टर के यहाँ गए हुए, हम योग चिकित्सा पद्धति के द्वारा इसे हम दूर कर सकते हैं।